जितने भी लोन कंपनियां हैं आज के टाइम में सभी लिमिट जो है क्रॉस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही जो है चीजें बताने वाला हूं, कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। इन फ्यूचर अगर मानो इस तरीके का चीजें अगर होता है तो आप लोग कैसे इससे बच सकते हो, क्योंकि एक नया खुलासा सामने हो रहा है, एक नया डर का जो है सामना करना पड़ रहा है सभी डिफॉल्टर्स को। एक ऐसा एनबीएफसी, एक ऐसा कंपनी जो कि अभी के टाइम में लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को इस तरीके से डरा रहे हैं, इस तरीके से जो भी है गलत काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप इसको मिस करते हो, इन फ्यूचर अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है तो आप लोग मुसीबत में पड़ोगे, वो 100% गारंटी मैं दे रहा हूं। इसीलिए आप सभी से बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर जो भी लोन कंपनी अभी के टाइम में लोगों को डरा रहे, मतलब आप लोगों को डरा रहे, जो भी वीडियोस देख रहे हो आप लोग डिफॉल्टर हो तभी आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तभी आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो। यहां पर कंपनियां क्या करते हैं आप लोगों को पता है, अलग अलग तरकीबें ये लोग अपनाते हैं और आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन एक नया डर का खुलासा अभी सामने आ रहा है, सामने एक सब्सक्राइबर दोस्त को ये हुआ है, सब्सक्राइबर दोस्त के साथ ये हुआ है। अब ये नया जो है डर क्या है, इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, कल मैंने वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे आप लोग, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, वीडियो पूरा एंड तक वॉच करें। मेरा जो भी वीडियोस होता है बेफालतू का वीडियोस मैं बनाता नहीं हूं। इन फ्यूचर आप लोग मुसीबत में अगर पड़ते हो तो आप लोग कैसे इसे डील करो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर सारा कुछ सॉल्यूशन देता हूं, सब कुछ बता देता हूं कि आपको करना क्या है अगर मानो आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो। दोस्तों यहां पर आज का जो भी डर का खुलासा होने वाला है वो कुछ ऐसा चीज है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। अब ये कंपनी कौन सा है वो आप लोगों को मैं फोन के स्क्रीन पे जाके दिखाता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं वो नया जो भी डर, जो नया फेयर अनलॉक हुआ है वो क्या है। दोस्तों यहां पर स्क्रीनशॉट में देखो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग देखोगे बोल सकते हो कि हाँ आपने तो वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या था कि मैंने आप लोगों को ठीक से समझाया नहीं। आज मैं इसमें समझाने वाला हूं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है और आगे होने क्या वाला है, ठीक है, आपको कैसे इसे डील करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन का नाम देखने को मिल रहा है जिसका नाम है एम पॉकेट। एम पॉकेट का जो है यहाँ पर आप लोगों को कुछ नाम जो है एक एक करके देखने को मिल रहा है और साइड में जो भी है अमाउंट जो है नीचे साइड में देखने को मिल रहा है 2100 2200 ऐसा करके, और नीचे फेल्ड दिख रहा है। इसमें क्या है ये आप लोग देख के समझ सकते हो, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ये तो है ईएमआई का डेट होगा, ये फेल कर दिया इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, नहीं दोस्तों ये ईएमआई फेल्ड होने का कोई भी मैसेज नहीं है, ये मैसेज है आप लोगों का ईसीएस बाउंस करने का। एक दिन में 40 बार ईसीएस हिट किया है, लगभग 25 से 26 हजार का जो है पेनल्टी लगा दिया है एक दिन में, ठीक है। आप लोगों को मैं वो दिखाना चाहता हूं, 1 से 2 दिन के अंदर होता है ये सब कुछ चीजें। देखिए सबसे पहला जो स्क्रीनशॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये है 1 जून 2024, कब से शुरू हुआ है वो आप देखिए, नीचे से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए 1 जून 5:41 AM 2217 रुपए का चार्जेस यहां पर लगा ईसीएस बाउंस का, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर फिर से जो है ईसीएस हिट किया 6:17 को 2222 रुपए, मतलब 12 रुपए, फिर से ईसीएस हिट किया 7 बजे, मतलब आप लोग देखो टाइम का गैपिंग देखो, एक दिन में कितना बार हिट कर सकता है, 1 से 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। अगर मानो लगातार 1-2 दिन 3 दिन बाद बाद जो हिट करता है वो चलो आरबीआई में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वहां पर वो कर सकता है, लेकिन एक दिन में 10 बार 20 बार हिट करना पॉसिबल नहीं है, कर नहीं सकता। यहां पर आप लोग देख सकते हो सुबह को 5:41 से शुरू होके 1:30 बजे तक लगातार जो है हीट करता गया, 2200 2200 करके ऐड करता गया। नेक्स्ट देखिए 2 तारीख को फिर से सुबह से स्टार्ट हो गया हीट करना, फिर से जो है 9:14 तक जो है, ये 3 तारीख को हो गया है, फिर से जो भी है यहां पर 2 तारीख 3 तारीख का जो है यहां पर लगातार 10 बार 20 बार करके हीट किया है, और जितना बार हीट हुआ है 2200 रुपए करके यहां पर चार्जेस जो है यहां पर अप्लाई होते जा रहा है। आप लोग यहां पर देख पा रहे हो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो कर नहीं सकता। आप लोगों को बता दूं अगर मानो आप लोग भी ईसीएस एक्टिवेट किए हो तो ये मतलब दिक्कत आप लोगों को होगा ही, 100% होगा। अभी के टाइम में ये जो भी कंपनियां हैं ये अपना मन मुताबिक काम कर रहे हैं, आरबीआई का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता नहीं है, सब कुछ लिखा होता है आरबीआई में कि ऐसा नहीं कर सकते, वैसा करना होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ेस भी है कि भाई अपना मनमानी करता है ये जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, बैंक्स है, ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। यहां पर ये लोग एनबीएफसी आरबीआई के लाइसेंस लेके टोटली फ्रॉड तरीके से बिजनेस करने के लिए आए हैं। बिजनेस करने के लिए आए हैं का मतलब क्या है,
सभी को पता है ये पैसा आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं दे रहा है, ये पैसा दे रहा है, पैसा उनको वापस मिलेगा एज ए इंटरेस्ट, ज्यादा पैसा मिलेगा उनको वापस। यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं और इसी तरीके से लोगों को लूटने का अलग अलग तरीका लगा रहे हैं। एक दिन में 25,000 का पेनल्टी लगना पॉसिबल, मतलब आप लोग समझ सकते हो, 7,000 का लोन था, 25,000 एक दिन में। अब मानो इसे हिट कर रहे हो, वो तो बैंक का भी चार्जेस हो रहा है ना, बैंक में भी तो माइनस में जा रहा है वो, एक एक करके जितना बार हिट करेगा वो बैंक में जो भी है चार्जेस पड़ेगा और चार्जेस में माइनस में जाएगा। पहला चार्जेस तो आपके बैंक में लग रहा है, दूसरा चार्जेस जो है कंपनी खुद वहां पर लगाकर आपके अकाउंट पे जो भी अमाउंट है उसको बढ़ा दे रहे हैं। तो यहां पर मुसीबत किसको हो रहा है, आप लोगों को। यहां पर आपके मन में डर होगा कि ये जो भी है ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूं, पुलिस आ जाएगा घर पे, बैंक वाला नहीं छोड़ेगा। देखिए आप लोगों को बता देता हूं, सबसे पहला चीज, अगर पेनल्टी लगाता है वहां पर आरबीआई साफ तौर पे बोला है पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन उसमें भी एक मतलब वैलिड जो है पॉइंट होना चाहिए, एक वैलिड जो भी है वहां पर रीजन होना चाहिए कि भाई इसके कारण इसका जो है इतना चार्जेस लगा है। वो लोग अपना इनकम सोर्स नहीं बना सकता, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना इनकम सोर्स बना रहे हैं। एक दिन का 25,000 चार्जेस आप लोग समझ सकते हो कितना जो है घटिया तरीके का ये लोग काम करते हैं, फ्रॉड, एकदम फ्रॉड। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है सभी फ्रॉड्स हैं, क्राइम कर रहे हैं, एक एक करके बड़ा बड़ा क्राइम कर रही है आप लोगों के साथ, ठीक है। और आप लोगों को धमका रहे हैं कि आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता क्या है, कुछ कर पाएगा, ये खुद क्राइम कर रहे हैं लोगों के साथ, ये खुद जो है क्राइम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग उल्टा उनके ऊपर एक्शन ले सकते हो। अब बचना कैसे है, मानो कि ऐसा चीज हो गया है, एक दिन में जो है 10 बार 12 बार 15 बार 20 बार चलो हिट हो गया, आपके पास मैसेज आ गया, उसका स्टेटमेंट आप निकालो, निकाल के आप तुरंत जो है आरबीआई को मेल करो, या फिर आप ट्विटर में जाके वहां पर आरबीआई को टैग करो, वो पोस्ट डालो वहां पर, साथ ही साथ जो जिसकी कंपनी ने किया है उसको भी टैग करो, तो वो तुरंत जो है वहां पर रिप्लाई देगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो भी पेनल्टी लगा है उसको वेव ऑफ भी करेगा। डरना नहीं है कि आपके ऊपर इतना चार्जेस लगा दिया है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आरबीआई को भी पता होना चाहिए कि ये लोग अभी के टाइम में कितना गलत काम कर रहे हैं, तभी ये लोग जो है बैन होगा। बस आप ही लोग कर सकते हो बैन, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, हम सब मिलके अगर हम कोशिश करेंगे तो इन लोगों को एक दिन बैन करके ही रहेंगे, हो जाएगा बैन, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये लोग जिस तरीके से, जिस रास्ते पर ये अभी चलने लगा है, टोटली फर्जी तरीके से क्राइम के रास्ते में ये चल रहा है। अब क्राइम करेगा तो इन लोगों का जो है बचना जो भी है ये आसान इतना होगा नहीं। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को डरना घबराना नहीं है, चाहे जैसा भी आपके साथ डराए धमकाए या फिर जो भी कोशिश कर ले, पेनल्टी लगाए या फिर चार्जेस लगाए, पुलिस का धमकी दे, एडवोकेट का धमकी दे, कोर्ट का धमकी दे, डरना आपको नहीं है। बिना डरे आपको सब कुछ काम करना है, अगर आप डर गए तो आप लोग समझो मर गए। बिना डरे आपको सब कुछ काम करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जब आप पेमेंट आपके पास कैपेबल हो, आपके पास पैसा हो, पेमेंट कर दीजिएगा, तब कोई भी कंपनी आपके साथ कुछ करेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को जो है गारंटी के साथ बता सकता हूँ, दावे के साथ मैं बता सकता हूँ ये चीज। यहाँ पर आप लोगों को डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा बस आपको इग्नोर करते जाना है। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो तब आप उनसे बात करिएगा, पेमेंट करना है, वो सब कुछ जो है वेव ऑफ करेगा, नहीं करता है तो पेमेंट मत करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉस तो उन्हीं लोगों का हो रहा है, आपका लॉस थोड़ी हो रहा है, सिबिल खराब कर रहे हैं, सिबिल खराब होगा तो होने दीजिए ना, इन फ्यूचर आप उसको सही भी कर सकते हो। लेकिन उनका पैसा अगर डूब जाएगा, वो पैसा निकालने के लिए बहुत ज्यादा जो है मेहनत उनको करना पड़ेगा, ठीक है। वो पैसा लौट, मतलब उन लोगों को चाहिए पैसा, पैसा वो लेकर ही रहेगा, ठीक है। अब लेगा जब मैं दूंगा तभी ना लेगा, वो आएगा धमकाएगा डराएगा, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। अब मैं बोलूंगा मैं पैसा दूंगा नहीं, तुमको जो करना है तुम करो, वो ले पाएगा क्या पैसा। तो यहां पर समझना यह है कि सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, अगर आप लोग डर गए तो आप लोग उनको जो है बढ़ावा दे रहे हो, और अगर बढ़ावा दोगे तो आप लोग कभी भी इससे निकल नहीं पाओगे। अगर आपको निकलना है ये सब चीजों से तो आपके दिमाग में जो भी डर है, डर को निकल दीजिए। आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। पैसा होगा पेमेंट कर दीजिएगा, बात खत्म। यहां पर जो भी आप लोगों को कामकाज में यहां पर देखने को मिल रहा है, डरा रहे धमका रहे, आपको यहां पर इसको इग्नोर करना है। चाहे लीगल नोटिस आए, SMS आए, वकील का जो भी है फोन कॉल्स आए, पुलिस स्टेशन से कॉल्स आए, सब कुछ समझ लीजिएगा उनका चवनी छाप का काम है, कोई और काम करता नहीं है ये सब चीजों से, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।